देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं मोहन जी, हम ठीक है। वैसे बिटिया, कहीं बंद कमरे के पीछे राधा और मोहन के प्यार की खिड़की खुल गई तो हो सकता है कि तुम्हारे चक्कर में जो उसे पता चल गया है कि राधा उसे प्रेम करती है, तो 6 घंटे बाद वो राधा को इसी मंडप में ले आएगा और उससे शादी कर लेगा। मम्मा, राधा जाके मोहन को अपनी प्रेम कथा सुनाए, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी इसी बात की है कि वो हम दोनों की करतूतों की कहानी मोहन का ना सुनाते। तुम ठीक नहीं हो राधा। मेरी लाइफ में आने के बाद तुम ठीक कैसे हो सकती हो यार? मेरी मनुष्यत जो है वो तुम्हें भी लग गई है। ऐसा ही हूं ना मैं, जब मेरी लाइफ में कोई चीज कोई इंसान आता है ना, तो मेरी मनुष्यता उसे लग जाती है। सुंदर से सुंदर चीज, अच्छे से अच्छे इंसान को बर्बाद कर देता हूं मैं। तुलसी को बर्बाद कर दिया था मैं और अब तुम्हें कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है मोहन, कुछ भी बातें मत बोलो। क्या बोल रहे हैं आप? दुनिया को रोशनी देने वाला दीपक खुद अंधेरे का पराया कैसे हो सकता है? पर हूं ना मैं। मैं, मेरी जिंदगी सब अंधेरे में ही तो है, और जो मेरी जिंदगी में आता है वो भी इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। सब मेरी गलती है। तुम बहुत सीधी हो यार, बहुत बोली हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हें ये सब नहीं दिखता, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था ना, मुझे दिखना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। हर मोड़ पर गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ, जो मुझे समझ में नहीं आया। मेरी तो गलती है ना, ऐसी दोस्ती करनी मैंने तुम्हारे साथ कि मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। इतना अपनापन जमा लिया मैंने तुम्हारे पर कि मैं भूल गया कि तुम भाई हो। तुम पर हक जमा है मेरे। हाँ तो फिर चलो, अब तुम्हें कमरा दिखा दो और तुम्हारी इंग्लिश क्लास शुरू करते हैं। आओ। डाटा, तुम्हारी जिम्मेदारी ली। मैं मोहन त्रिवेदी अब सबके सामने भा के बिहारी जी को साक्षी मांगकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें कल से लगाया गोद में उठाया मैंने, तो उसमें गलत क्या है? मेरी तो गलती है, मेरी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। I'm sorry यार राधा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें गलत उम्मीदें दी, मेरी गलती की वजह से मैंने तुम्हें गलत सपने दिखाए, और नहीं तो क्या है? नहीं 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 मोहन जी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। अगर आप हमसे बात नहीं करते, अगर आप हमारी तरफ देखते भी नहीं ना, तभी भी हमें आपसे प्यार हो जाता।
क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे, किसी को भी आपसे प्यार हो जाता मोहन जी। पता है इंसान जो होता है ना, उसे ऐसे यू आदत लग जाती है किसी चीज की, और कब वो आदत जरूरत बन जाए हमें हमें पता ही नहीं चलता। नहीं, अब इतने दिन से साथ रह रहे, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में गुनगुन का ख्याल रखते हैं, इस घर पर जो भी मुसीबतें आते हैं हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं ना। मानो कि इतने कम टाइम में हमने एक पूरी पूरी जिंदगी जी ली साथ में। हाँ, वो जिंदगी जिसकी हमने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो जिंदगी जिसमें मैं तुम्हारी आदत बन गया और तुम मेरी जरूरत। तुम्हें जरूरत बनाना मेरी गलती थी और मुझे आदत बनाना तुम्हारी। मैं इस लायक नहीं हूं यार राधा, नहीं हूं मैं इस लायक। मुझे प्यार करके अपने प्यार को बर्बाद मत करो तुम। मैं वो बिखरा हुआ इंसान हूं ना, जिसका कल भी अंधेरे में था और आने वाला कल भी अंधेरे में ही है। मेरा तो मेरी बेटी के साथ रिश्ता भी बिखरा हुआ है, जिसे तुमने आकर संवारा। तुमने मेरी पूरी जिंदगी सवार दी और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? दर्द, दुख, तकलीफ, जिंदगी भर की बेइज्जती दी मैंने तुम्हें। नहीं नहीं मोहन जी, आपको तो पता भी नहीं कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। और मोहन जी, आप हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं ये या तो हम जानते हैं या तो हमारे बाके बिहारी जी, और बाके बिहारी जी भी जानते कि आप हमारे लिए उनसे भी बढ़कर। हम कह रहे कि क्या कर रही है? अभी भी वक्त है हमारे पास। हमने इस घर से बहुत सारा सामान चुरा कर एक जगह पे रख दिया है। भाग लेते ना यहाँ से, दुकान खोलेंगे, वो सामान बेचकर जिंदगी शुरू करेंगे। अरे बिटिया, देख अभी तक तो हम राधा को मोहन को सच्चाई बताने से रोक रहे थे, क्योंकि मोहन राधा से दूर थे, पर अब कैसे रोकेंगे? दोनों साथ साथ हैं। नहीं राधा, नहीं यार, नहीं, नहीं हूं मैं इस लायक। सच में मैं इस लायक नहीं हूं। गलतियां पे गलतियां करता गया मैं। तुम कितनी खास हो, कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, ये तुम्हें खुद नहीं पता। सच बताओ तुम मेरे लिए ना। पूरी दुनिया की हंसी एक तरफ और तुम्हारी मुस्कान एक तरफ। पूरी दुनिया की नजरें एक तरफ और तुम्हारी आंखें एक तरफ। जब तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूं ना, तो मेरा दिन बन जाता है। जब तुम्हें रोता हुआ देखता हूं तो मेरा दिल जो है वो बैठ जाता है। सच बताओ तुम मेरे लेना, पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ हो यार राधा।
लगता तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें नहीं पता कि 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 प्यार क्या होता है। तुम्हें जो मुझसे हुआ है ना, वो प्यार नहीं है, वो इंफैटुएशन है। इन पुछ क्या हम समझे नहीं? तुम ऐसे टाइम पर क्लास मत शुरू करो अपनी। इन्फैटुएशन जहां पर किसी को लगता है कि उसे एक इंसान से प्यार हुआ है, लेकिन वो प्यार नहीं होता है, वो अट्रैक्शन। वो क्या यार, ये टाइम पर तुम आकर्षण बोलते हो उसे। आकर्षण, आकर्षण समझ में आता है ना तुम्हें? तुम बस आकर्षित हो मुझसे और कुछ नहीं। मोहन जी, हमें ना आपके बड़े बड़े शब्द, गहरी गहरी बातें ना समझ नहीं आती है, पर कम से कम इसे आदत, जरूरत, आकर्षण और अभी जो आपने शब्द बोला ना, इन्फैटुएशन, ये सब कहकर हमारे प्रेम का अपमान तो मत करिए ना आप। हम आपकी शादी इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, या हम आपको पाना चाहते हैं, या हमें आपसे शादी करनी है। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है मोहन जी। अगर दामिनी जी आपके लायक होती ना मोहन जी, हम खुशी खुशी ये शादी हो जाने देते, और आपकी स्मृतियों को स्मरण करके अपना पूरा जीवन बिता देते। पर अब जब हमें दामिनी चाची की सच्चाई पता चल चुकी है, जब हमें पता चल चुका है कि ना ही वो एक अच्छी इंसान है। अरे तुम छोड़ो ना मुझे यार, तुम छोड़ो मुझे, तुम छोड़ो गुनगुन को, छोड़ो इस परिवार को, तुम अपने बारे में सोचो ना राधा, अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, कहां फंस रही हो तुम इस दलदल में? क्या मिलेगा तुम्हें? जियो ना तुम अपनी जिंदगी, खुश हो, मजे करो तुम। वर्षा कभी बादल को भूल सकती है क्या मोहन जी? पेड़ अपनी जड़ों को भूल सकते हैं क्या मोहन जी? राधा रानी ने कभी बाकी बिहार जी को भुलाया है क्या मोहन जी? हमारा सारा जीवन तो आपसे ही है, आपकी खुशी में हमारी खुशी, आपके दुख में हमारा दुख है। कैसे भूल जाए हम आपको? बोलिए ना मोहन जी, कैसे भूल जाए हम आपको? कैसे बता दें हम अपना जीवन जब हमें पता है कि आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, कुछ सही नहीं है। इतना छोटा, इतना हल्का, इतना स्वार्थी नहीं है हमारा प्रेम मोहन जी। पहले कि राधा कुछ कह पाए ना, मैं इसकी बोलती ही बंद कर दूंगी। कहां गई इस जादूगरनी की तोती? कौन सी तोती? अम्मा, इस राधा नाम की जादूगरनी की जान गुनगुन नाम की तोती में तो बसती है। अरे वो तोती कहां गई होगी? बैठी होगी अपने रूम में। पर हमारे नाम की मिर्चिया चबा रही होगी। और क्या, बस उस तोते की गर्दन ही तो दबानी है, अभी तो राधा की जान निकलेगी। आज उस केतकी ने सबके सामने मुझे पागल कहा ना, हम सब देखेंगे कि असली पागलपन क्या होता है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना मोहन जी? तो चलिए हम अभी सारी बातें साफ कर देते हैं।
राधा, मैंने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ तुम्हें ही होगी। आपकी खुशी के लिए हमें हर तकलीफ मंजूर है मोहन जी। राधा अब इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं मोहन। क्या कर दिया मैंने? काकी जी, हमें आपसे बात करनी है। हमें ना तो कुछ सुनना है और ना ही तुमसे कुछ कहना है। पहले ही सब कुछ बर्बाद कर चुकी हो तुम। चली जाओ यहाँ से। काकी जी, हमने कुछ बर्बाद नहीं किया और ना ही कुछ खत्म किया है। और जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। राधा, बदतमीजी नहीं। आप लगे हमें काकी जी, अगर हम आपसे बदतमीजी करें तो हम तो बस आपसे ये कहने आए कि जैसे हम मोहन जी और गुनगुन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे हमें पता है कि आप ही मोहन जी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पर अभी जो आप कर रही है ना, वो गलत है काकी जी। तुम हमें गलत ठहरा रही हो। आपको नहीं काकी जी, पर आप जो कर रही है ना, वो गलत है। क्योंकि हमें पता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। तुम सब जानती हो? हम जानते हैं कि कैसे आपको डराया धमकाया जा रहा है। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। अखबार के कागज जो ए लड़की, चल भाग यहां से। जब हमारी बहन तुमसे बात करना नहीं चाहती तो क्यों फालतू में उसे चिपक रही है? समझ में नहीं आता है तुझे? कद्दू, हम ही चलते हैं यहाँ से। चल चल हमारे साथ। नहीं 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 काकी जी, चुप रहो काकी जी, इनकी चाल में मत जाइए काकी जी, हम आपके साथ हैं काकी जी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गुनगुन। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। बहुत बोल रही थी ना कि मैं बैग हूँ, अब दिखाती हूँ बैग लोग कैसे होते। हिम्मत कैसी हुई हमारी गुनगुन को ऐसे हाथ लगाने की? छोड़ो मुझे प्लीज, मत मारो मुझे। जब तक तुम्हें दो चार थप्पड़ और नहीं पड़ते ना, तुम नहीं सुधरोगी, जानती हूँ मैं। राम लीजिए जी, छोड़ो मुझे प्लीज, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। आज ना राधा, तुम कुछ भी मत बोलना। इस लड़की ने ना मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मेरे हर काम में टांग अड़ाती है। आज तो मैं इसकी जान ही ले लूंगी। हमारी गुनगुन को मारेंगे आप? हमारी गुनगुन को? आपकी हमारी गुनगुन पर हाथ उठाने की? कैसे हुई आपकी हिम्मत? गुनगुन की माँ है हम, और एक माँ के सामने उसके बच्चे को मारने की धमकी, उसे मारा नहीं करते हैं दामिनी जीजी।
ढाई फुट चुड़ैल हमारी बिटिया को कूट रही है। ओ कद्दू, अरे सारे घर वाले लोग बाहर आ जाइए, देखिए कोई तो बचाइए इसे। हमारी गुनगुन को मारेंगी आप। कद्दू नहीं दादा, पागल मत बनो। राधा हमारी गुनगुन को मारेंगी आप। आप कैसे लगा आपने हमारी गुनगुन को? माँ के सामने उसके बच्चे को मारेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक माँ के सामने अगर कोई उसके बच्चे को चोट पहुंचाए ना तो वो माँ क्या करती है। दादा नहीं, दादा रुकिए।